हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 30 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन बी अग्नि प्राइम, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करें DRDO की, ठीक है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई? तो सन 1958 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष हैं, स्पीकर, वो जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो इतना याद रखेंगे। और बात करें ऑप्शन डी की, पिनाका, तो इसका भी अभी सफल परीक्षण हाल ही में किया था DRDO ने, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें अग्नि प्राइम की, तो इसकी जो रेंज होती है, मारक क्षमता, ठीक है, रेंज ये कितनी होती है? तो ये 2000 किलोमीटर, ठीक है, 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो ये रेंज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो एक साल के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करें के वेणुगोपाल, तो ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हैं। और इन्हें 30 जून 2022 तक अपने पद पर रहने का अनुदान दिया गया है, ठीक है। तो ये बने कब थे, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल कब बने थे, ये भी आपका GK रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 जुलाई सन 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई सन 2017 को। और इन्हें 3 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन इन्हें फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रिकेटर में टेस्ट फेल होने पर 4 साल के लिए उसे हटा दिया गया है। तो किसे हटा दिया गया है? अंशुला राव को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात करें नाडा की, तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो ये 24 नवंबर सन 2005 में हुई, ठीक है, सन 2005 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं सिद्धार्थ, महानिदेशक जो हैं सिद्धार्थ लॉन्गजाम है, ठीक है, सिद्धार्थ लॉन्गजाम। तो इतना याद रखेंगे, इन्हें मध्य प्रदेश के टेस्टेरा टेस्ट के बाद इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया 4 साल के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस देश ने बेहतन विजल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो किसने किया ये? चीन ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करें कि इसे किसने निर्माण, इसका निर्माण डेवलपमेंट किसने किया है? तो इसका डेवलपमेंट चाइना 3 गोरजेस है, उसकी कॉरपोरेशन ने ही किया है, ठीक है। अब इसकी जो मारक क्षमता, ठीक है, जो इफिशियंसी है, मारक क्षमता, वो कितनी है? तो 16 मिलियन किलोवाट, ठीक है, इतनी ज़्यादा है इसकी मारक क्षमता। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? राही सरनोबत ने। ठीक है, राही सरनोबत इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करें जो ISSF है, तो जो राही सरनोबत हैं, इन्होंने एक रजत पदक जीता था, ठीक है, और 2 कांस्य पदक जीता था। और जो ISSF हैं, ठीक है, क्या ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ISSF, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो देखते हैं। इसकी स्थापना सन 1907 में हुई, ठीक है, 1907 में हुई। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। मुनिच भी कह सकते हैं, जर्मनी या मुनिच में, तो जर्मनी हम बेसिक लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ISSF राही सरनोबत हैं, तो अगर बात करें कि चिंकी यादव में मनु भाकर, तो ये किस नंबर पे जीती? ठीक है, तो ये 7वें नंबर पर थी। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर हमारा राही सरनोबत थी। ठीक है, तो 25 मीटर रेंज की सिर्फ प्रतिस्पर्धा थी, उसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन बी 2022 तक। ठीक है, तो 2022 तक इसे विमानवाहक के रूप में चालू कर दिया जाएगा, IAC-1 के रूप में। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।